तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेती है और आप सब दिन भर ऐसा मर्यादा पूर्वक व्यवहार करते रहते। बच्चा भी करता, हलवाई की दुकान से निकलते हुए स्कूल जा रहा है, वो देखता है जलेबी बढ़िया, उसका मन ललचाता है, जलेबी खा ले उठा ले, दुकानदार उधर देख रहा है, तो बुद्धि डांटती है अगर दुकानदार ने पकड़ लिया ना एक झापड़ लगा देगा तुझे, जलेबी चाहिए तो पैसे दो, वो तुम्हारे पास नहीं है चलो। तो बुद्धि ने मन को डांटा और वो विद्यार्थी अपने आप को कंट्रोल करके और चलता गया स्कूल। देखो वो बच्चे ने भी कंट्रोल किया। अब वो पढ़ाई के लिए उसका मन नहीं चाहता है वो पढ़े। ये तो कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका मन चाहता है कि हम पढ़ते ही रहें। माता पिता परेशान होते हैं, स्वामी जी हमारे बच्चे को कुछ समझाइए। अरे भाई आपका बच्चा है आप समझाइए। अरे स्वामी जी ये क्या, कलयुग के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता। अच्छा तो आपका बच्चा नहीं है, कलयुग का बच्चा। लेकिन स्वामी जी उसका मन ही नहीं लगता है, क्या करें। बेटा तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता है पढ़ाई में। ओ अंकल हम खेलना चाहते हैं। देखिए वो नहीं मानता है बात को, लेकिन वो ही बच्चा जब परीक्षा में बैठता 3 घंटे वहां पर चुपचाप बैठ के और क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आंसर शीट में देता जाता, 3 घंटे की परीक्षा है, एकाग्र मन से करता जाता। अब उस समय उसका मन नहीं भटकता, खिड़की के बाहर भी नहीं देखता, कोई दूसरे क्लास फेलो को भी नहीं देखता, 3 घंटे उत्तर देते जाओ। उसके एंड में टीचर छीन लेता है, भाई 3 घंटे हो गए दो। लेकिन उसका मन एकाग्र हो गया। अब एकाग्र करने की शक्ति उस बच्चे में थी, साल भर उपयोग में नहीं आ रही थी, परीक्षा में उपयोग में आ गई। ये अंतर क्यों हुआ? परीक्षा में बुद्धि ने डिसाइड कर लिया भाई ये 3 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब यदि लापरवाही की मिस्टर मन, तो फिर पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा, दोस्त लोग मजाक बनाएंगे, माता पिता पिटाई करेंगे। ये सब बुद्धि ने डिसाइड किया, मन को कंट्रोल कर लिया और साल भर बुद्धि का विश्वास नहीं था। माता पिता कहते थे भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अरे बेटा भविष्य में क्या करोगे। बेटा कहता था मैं बड़ा ही नहीं होऊंगा, उसकी बुद्धि विश्वास करने को तैयार नहीं थी। बुद्धि का डिसीजन था कि पढ़ाई माता पिता के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अमेरिका में मंदिर में एक प्रवचन दे रहे थे, मंदिर का बड़ा हॉल था, तो साइड में कमरे थे, तो वहां संडे को बच्चों की क्लासेस चलती थी, जैसे हमारी बाल मुकुंद क्लास चलती है ना यहाँ पाटन, तो बच्चों की क्लास, तो वो हम प्रवचन के बाद में हम वहां पे भोजन हमको खिलाया जा रहा था। एक कमरे में, बगल के कमरे में बच्चों की क्लास चल रही थी। वो आध्यात्मिक क्लासेस का एक रिवाज है अमेरिका में, माता पिता भेजते हैं बच्चों को, हमारे भारतीय माता पिता। तो हम सुन रहे थे क्या हो रहा था क्लास में। टीचर ने कहा भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करना क्यों आवश्यक है। तो एक विद्यार्थी की आवाज आई,
विद्यार्थी ने कहा भगवान की भक्ति करना इंडियंस के लिए आवश्यक है, ये इंडियन माता पिता ही हैं जो हमको परेशान करते रहते हैं भगवान की भक्ति करो, बाकी सब तो किसी को परेशान नहीं करते। तो बच्चे ने ये समझा कि अगर इंडियन है तो फिर भगवान की भक्ति करना जरूरी है, इंडियन नहीं होते तो कोई जरूरी नहीं था। यानी वो माता पिता की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे ही माता पिता ने कहा कि भाई तुम पढ़ाई करो, नहीं नहीं उनको कुछ नहीं पता, पढ़ाई नहीं खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जब बुद्धि का डिसीजन अलग है तो मन कैसे लगे? अगर मन पढ़ाई में गया भी बुद्धि फिर से खंडन कर दी गई है इधर आओ। तो वो बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल करने की शक्ति रखती है अगर वो ट्राई करे। अभी हम लोगों का मन जो संसार में लगा है उसका कारण ये है कि हमारी बुद्धि का विश्वास है, निश्चय है कि सुख तो संसार में है। इसलिए हम पूरा प्रवचन सुन लेंगे, सुनने के बाद बुद्धि कहेगी भाई वो तो ठीक है लेकिन मुझे तो अरबपति बनना है, मुझे तो ऐसा करना है वैसा करना। अब वो एक लेकिन लगा दिया बुद्धि ने और वहां पे खड़े हो गए। तो ये बुद्धि जो है अगर डिसाइड कर लेती नहीं सुख संसार में नहीं भगवान में है, मन तुरंत हट जाता। मन को हटाने में परिश्रम नहीं पड़ता। देखिए हम आइडिया देते हैं, एक आदमी 4 दिन से भूखा है, 4 दिन के बाद आप उसके लिए भोजन लाई, अब वो तड़प रहा है ना उसकी इंद्रियां, उसने देखा चांदी की थाली पर 56 व्यंजन, तो मन ने कहा गुलाब जामुन गरम गरम है खाएं, बुद्धि ने तुरंत समर्थन किया बिल्कुल बड़ी पीड़ा हो रही है जरूर खाओ रिलीफ मिलेगी, बुद्धि ने मन को आज्ञा दी, मन ने हाथ को आज्ञा दी और वो गुलाब जामुन को उठा के बढ़ रहा है मुंह की ओर। अब वो ललचा रहा है ना, इस स्थिति में आप उसका वैराग्य कराना चाहते हैं? एक क्षण नहीं लगेगा, केवल चिल्ला दीजिए क्या कर रहे हो, मरना चाहते हो? मरना चाहता हूं। वो रुक गया, क्या बात? अरे जानते नहीं हो इसमें जहर मिला हुआ है, जहर। बुद्धि ने तुरंत डिसाइड किया ये तुम्हारे लिए हानिकारक है फेंक दो, बुद्धि ने मन को कहा, मन ने हाथ को कहा, उसने गुलाब जामुन को फेंका। ये व्यक्ति 4 दिन से भूखा था और कैसे लालायत था और 1 सेकंड में वैराग्य कराया बुद्धि ने। आप उसके वैराग्य को चेक करना चाहते हैं? उसको 1 करोड़ का पुरस्कार ऑफर कर दीजिए, भैया खा लो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा। वो कहता है जब मैं मर जाऊंगा तो 1 करोड़ से क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने किसी को उसमें विष डालते हुए देखा है? नहीं मैंने तो नहीं देखा है। फिर मेरा दोस्त कह रहा, तुम्हारा दोस्त क्या सत्यवादी है, हरिश्चंद्र का अवतार है? नहीं वो तो दिन में 3-4 झूठ बोलता ही है। अरे ऐसे अनरिलायबल दोस्त के 1 वाक्य से तुमको वैराग्य हो गया? तुमने कभी जीवन में विष देखी है? जी मैंने तो कभी विष को देखा ही नहीं। तो कभी विष देखा ही नहीं
और एक वाक्य से वैराग्य हुआ क्योंकि बुद्धि ने निर्णय ले लिया। और यहां पर संत महात्मा बोलते जाते हैं फिर भी वैराग्य नहीं होता क्योंकि बुद्धि डिसाइड नहीं कर पाती। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बुद्धि जो है ना, इसका इतना महत्व है, तू मुझे बुद्धि को अर्पित कर दे, ये बुद्धि जो है मुझे अर्पित कर दे। मैं एव मनाधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय, यही अन्य जगह में भी श्री कृष्ण कह रहे, मई अर्पित मनो बुद्धि ही। आठवें अध्याय में भी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मन और बुद्धि दोनों मुझे अर्पित करते। तो श्री कृष्ण इतना महत्व देते हैं बुद्धि को, वे यहां तक कहते हैं कि अर्जुन मैं जो तुझे बता रहा हूं ये बुद्धि योग है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, बुद्धि योग की शरण में जा। बुद्धि योग, अरे स्वामी जी हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तो सुने, बुद्धि योग नहीं सुने? गीता में 4-5 स्थानों पर आया। इतना श्री कृष्ण बल दे रहे हैं कि अगर बुद्धि को ठीक कर लिया जाए बस सब काम बन जाएगा। इसलिए तो कहा गया तत्व विस्मरणात् भेकीवत्, अगर मनुष्य अपनी बुद्धि में विवेक धारण न करे तो फिर उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। अर्थात मानवता इसी में है कि हम अपनी बुद्धि में विवेक का ज्ञान बनाए रखें। इसलिए लोग पूछते हैं, स्वामी जी ये गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? तो लोग अनेक प्रकार के प्रतीकात्मक अर्थ देते होंगे, लेकिन सीधा सा अर्थ यदि जानना चाहे तो इतना ही है कि वो भगवान जो त्रैलोक्य को, भूर्भुव स्व, त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रहे हैं, वे मेरी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से सत मार्ग की ओर प्रकाशित करें। अब अगर बुद्धि ही सत मार्ग की ओर प्रकाशित हो गई तो मन और इंद्रियां ऑटोमेटिक वहीं पर जाएंगी, इतना महत्व। तो हमें अभी समझना है कि हमारा मन संसार में इसमें आसक्त है क्योंकि बुद्धि ने डिसाइड किया हुआ कि सुख संसार में है। अब हमें बुद्धि के द्वारा समझना होगा कि हमको जो सुख चाहिए वो संसार से नहीं मिलेगा, ये बुद्धि को परिपक्व करना होगा। अब कुछ ऐसे भी जीव हुए गौतम बुद्ध के समान, उन्होंने देखा एक बीमार आदमी, उनने कहा अच्छा ये संसार में बीमारी है, मैं भी एक दिन बीमार हो जाऊंगा। उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा, उनने कहा अच्छा बुढ़ापा भी है, मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। उन्होंने एक मृत शरीर देखा, ओ मृत्यु भी है, मेरी भी मृत्यु आएगी। बस केवल इतना देखकर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। अब उनकी बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण थी, ये अलग अलग स्तर की बुद्धि होती। एक पतंगा होता, उसकी बुद्धि कैसी है भगवान दिए हुए हैं, वो दीपक के पास जाता है तो जलता है,
लेकिन सीखता नहीं है, फिर उड़ता, फिर वापस दीपक के पास आता। उसकी बुद्धि डिसाइड ही नहीं कर पाती है भाई ये दीपक हमारे लिए हानिकारक। उससे ऊंची होती है बिल्ली की बुद्धि। कहते हैं ना कि बिल्ली अगर कभी गरम दूध पी के जल जाए तो वो छाछ को भी फूक फूक के पीती है। वो बुद्धि ने सीख लिया भाई ये गड़बड़ दोबारा नहीं करनी है। उससे ऊंची होती है बकरी की बुद्धि। वो बकरी ने कभी भेड़िये को देखा नहीं है कभी भी, लेकिन भेड़िया सामने आया बकरी समझ गई ये गड़बड़ है, भागो यहां से। अब आप कहें भाई उसने कभी भेड़िये का अनुभव ही नहीं किया। लोग कहते हैं स्वामी जी पहले पाप करें उसके बाद फिर दोबारा न करें, तो बकरी एक बार भेड़िये के द्वारा मारी जाए उसके बाद फिर भागना सीखे। नहीं नहीं, भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि दी है वो भेड़िये को प्रथम बार देखकर ही डर जाती है, भागो ये हमारी मृत्यु है। और भगवान ने सबसे तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्यों को दी है।